नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी आई में आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं हम लोग बात करने वाले हैं जापान के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं चाइना के बारे में और चाइना और जापान का जो विवाद चल रहा है उसके बारे में बात चलेगी कोई भी जो चर्चा होगी जापान के बारे में बहुत जरूरी होगी क्यों क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स चल रहा है ट्वेंटी तो यहाँ पे आपको एग्जाम परस्पेक्टिव से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं आपको फ्रॉम जापान और रिलेटेड टू एरिया इन एंड अराउंड जापान तो यहां पे हम लोग देखेंगे इन दे तो हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ा सा जापान की जो, जो जोग्राफी है उसके बारे में चर्चा करेंगे इन रियुक्यू आईलैंड के बारे में देखेंगे और अंत में ये जो डिप्लॉयमेंट हो रही है इसको हम लोग एक बड़े स्तर कि मैक्रो लेवल पे एनालाइज करेंगे क्यू ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है चलिए शुरू करते हैं चर्चा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्टेन विथ मी ऑन स्टडी आई क्यू आई एम योर फ्रेंड राहुल सायगांवकर यू कैन फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी इफ यू हैव एनी क्वेरीज एनी डाउट्स यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेस एंड संडेज

हाल ही में जापान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं नोबो किशी उन्होंने कंफर्म किया है कि जापान के प्लान्स है कि 2022 तक वो सेल्फ डिफेंस फोर्सेस और एंटी एयर एंड एंटी शिप मिसाइल्स ऑल दो कौन सी मिसाइल्स डिप्लॉय की जाएगी वो नहीं बताया लेकिन एंटी एयर एंड एंटी शिप मिसाइल्स डिप्लॉय करेंगे उनके जो साउथ वेस्टर्न आईलैंड है रूक्यू बेसिकली टू डिटर्न फ्रॉम पोटेंशियल थ्रेट इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो ये कहां हो रहा है देखिए जापान का यहां पे मैंने आपको मैप दिखाया इस तरफ है चाइना यहां पे आता है कोरियन पेनि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया और ये है जापान के आइलैंड्स तो यहां पे काफी जरूरी आपके लिए इंफॉर्मेशन रहेगी जापान की ज्योग्राफी से जुड़े हुए कुछ सवाल आ सकते हैं देखिए टोक्यो किस आइलैंड में आता है टोक्यो आता है हॉन्शु में तो जापान की ज्योग्राफी कुछ इस तरह है वो एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है अब वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स किस तरह से कभी कबार सवाल आते हैं कि अरेंज दीज दी जापान्स आइलैंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ तो आपको याद रखना है नॉर्थ से साउथ कौन से आइलैंड सबसे पहला नदन साइड में आता है आपको होकाइडो होकाइडो के जस्ट नीचे है आपको होन्शु तो आपको याद रखना है सबसे ऊपर होकाइडो फिर होंशु फिर आपको मिलेगा शिकोकू फिर आपको मिलेगा क्यूशू और इवेंचुअली सदर्न साइड में जैसे मैंने आपको बताया कि साउथ वेस्टर्न साइड में आपको एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मिलेंगे ये है आपको बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड या फिर जापानीज लैंग्वेज में कहते हैं जिमा तो आपको बहुत सारे आइलैंड यहां पर मिलेंगे तो डिप्लॉयमेंट हो रही है इन दी साउथ वेस्टर्न आइलैंड यहां पर हम लोग थोड़ा सा जूम करके देखेंगे एग्जैक्टली exactly क्या हो रहा है अब सवाल यह उठता है कि यह हो क्यों रहा है पोटेंशियल थ्रेट बताया तो यहाँ पे देर आर नो प्राइजेस फॉर गैसेस हम sure क्वाइट श्योर की जो हमारे कर रहे IQ, का और चाइना का विवाद चल रहा है किस पेनकाको आइलैंड छोटे डीआईओ कहता है तो जापान और चाइना के बीच यहां पे काफी टसल चलती है ओवर दीज आइलैंड तो इसी के चलते यहां पे अभी जापान ने अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू डिप्लॉय मिसाइल्स इन दीज साउथ वेस्टर्न आइलैंड ग्रुप्स ऑफ जापान चलिए बात करते हैं कि इज इट अ सरप्राइज क्या ये बहुत बड़ा सरप्राइज है अब अगर हम लोग एक छोटे स्तर पे देखें या फिर शॉर्ट टर्म में देखें तो ये कोई सरप्राइज नहीं था वाई क्योंकि देखिए इसकी खबरें ऑलरेडी पहले से आ रही थी 2017 से ही जब जापान से खबरें ये आ रही थी कि जापान इज बिल्डिंग मिसाइल बेसिस टू कंफ्रॉन्ट राइजिंग थ्रेट फ्रॉम चाइना अब ये आप खबर देख सकते हो डिसंबर दो की खबर यानी पिछले तीन चार सालों से ये खबरें आ रही थी अब फाइनली बिग बिग सरप्राइज इन द लॉन्ग रन अब हम लोग एक मैक्रो स्तर पर देखेंगे तो आप अगर जपान का स्टेटस देखोगे जपानीन अ वेरी एग्रेसिव स्टेट हाइपर नेशनलिस्ट स्टेट आपको याद होगा दूसरे विश्व युद्ध में 1945 में में खत्म हुआ 1939 शुरू हुआ था जापान जर्मनी था इटली था, था. तो किसने ने powers, और आपको याद होगा जापान की तो काफी चेकर्ड हिस्ट्री है नाइनटीन में यहां पर दो अनुबम गिराए गए थे में. आपको ये सब पता है लेकिन उसके बाद क्या हुआ जापान में देखिए 1945 में जापान को ऑलमोस्ट एक लाख सोल्जर्स को यहां पे रखा गया था। में, के सोल्जर्स और ब्रिटेन के सोल्जर्स थे यहां अब ये जो ऑक्युपेशन चली ये ऑक्युपेशन 1945 से लेकर 1952 तक चली तो इट वॉज पोस्ट वॉर ऑक्युपेशन ऑफ जापान अब यहां पे जापान का एक नया संविधान आया और जापान के संविधान में कुछ आर्टिकल से कुछ रूल्स है जिसके तहत वो अपनी मिलिट्री यानी कि अपनी जो अग्रेसिव मिलिट्री आर्म्स जो भी होते हैं उसको वो लोग नहीं डेवलप करेंगे अब क्यों क्योंकि इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एक्सिस पावर्स तो खतरा था कि वो आगे चल के भी विश्व के ऊपर कुछ डेंजर या फिर कुछ हजार ला सकते हैं इसीलिए उनको मिलिट्री पावर बढ़ाने की अनुमति नहीं दी थी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जापान अपनी सिक्योरिटी के लिए डिफेंस ट्रीटी जो उन्होंने साइन की थी वो किस पे निर्भर रहते थे वो रहते थे निर्भर यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर लेकिन अभी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में कुछ इस तरह की डेवलपमेंट आ रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स की खुद की हेजीमनी इज इरोडेड यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का कॉम्पिटिशन चल रहा है चाइना के साथ अब इसके चलते यूएस ने धीरे धीरे जापान को मिलिटराइज करने के लिए अलाउ कर दिया इसी चलते ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इट्स अ सरप्राइज एट द मैक्रो लेवल यानी कि पिछले ऑलमोस्ट सत्तर सालों में जापान मिलिटराइज नहीं हो रहा था लेकिन अभी धीरे धीरे से इट हैज अगेन स्टार्टेड मिलिटराइजेशन सो इट्स अग बिग सरप्राइज फॉर द एंटायर वर्ल्ड अब इन सब चीजों का परिणाम क्या होगा ये तो हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे लेकिन उससे पहले जानते हैं कि डिटेल्स क्या है कहां पे ये मिसाइल्स और कहां पे फोर्सेस डिप्लॉय होने वाली है देखिए जापान ने अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू डिप्लॉय एंटी एयर एंड एंटी शिप मिसाइल्स इन द इशिगाकी रीजन इन द आप ये देख सकते हो ये है रियुक्यू का आइलैंड और यहां पे यामा आइलैंड आता है यहां पे और यामा के बगल में आपको मिलता है योनागुनी जिवा योनागुनी आइलैंड है तो जापान की एक सर्वेलेंस फैसिलिटी आ रही है यहां पे योनागुनी और आप देख सकते हो समवेयर हियर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली डेवलप कर रहे अब इन सब के चलते परिणाम क्या होगा वॉट वुड बी नेक्स्ट वॉट वुड बी दी कॉन्सिक्वेंस हम लोग क्या फोरकास्ट कर सकते हैं सबसे पहली चीज मैंने आपसे कहा 1945 के बाद अपनी सिक्योरिटी के लिए जापान किसके ऊपर निर्भर था वो निर्भर था यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर अभी हम लोग ये अंदेशा लगा सकते हैं कि जापान आत्मनिर्भर बन सकता है और या फिर आत्मनिर्भर बनेगा आगे चल के क्यों क्योंकि उनकी जो रिलायंस थी यूएस डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर वो कम होगी जब यूएस ने उन्हें अलाउ किया है तो वो खुद अगर मिलिटराइज हो रहे हैं तो वो अपने खुद के नए एडवांस मिसाइल्स और दूसरी जो आर्म्स मिलिट्री कैपेबिलिटी रहेगी वो डेवलप करेगा जरूर और इसकी ऑलरेडी इंडिकेशन आ चुकी है क्योंकि खबरें ये आ रही है कि जापान इज लाइकली टू कैंसल इट्स प्लान टू गेट दिस न्यू एल आर एस एम यानी कि लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल जो लॉकिड मार्टिन यूएस की कंपनी है वो प्रोड्यूस करता था वहां से ऑर्डर था उसको कैंसिल करने वाले यू कैंसिल करने वाले जापान ये खबरें आ रही है यानी कि आगे चल के जापान इज गोइंग टू गो फॉर इंडिजिनस डेवलपमेंट एक तो होगा ये डेवलपमेंट इसके अलावा वॉट नेक्स्ट और वॉट वुनाइटेड स्टेट का ताइवान का और जपान का क्योंकि ये तीनों एंटी चाइना स्टैंड रखते हैं तो आगे चल के हम लोग ये अंदेशा लगा सकते हैं कि एक ट्राइम वायरेट जरूर बनेगा यूएस ताइवान और जापान का और इसके ऑलरेडी इंडिकेशन आ रहे हैं हम जानते हैं कि रिसेंटली समिट हुई थी एक

एंड जपान एंड द कंपनी दैट इज जपान यूएसए एंड ताइवान टूगेदर सो लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दिस ग्रेट गेम बिट्वीन जपान एंड चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑल्सो इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम जल्द से लाएंगे स्टडी आई के ऊपर दैट इज इट राइट नॉ फ्रॉम माई साइड थैंक यू फॉर वॉचिंग जय हिंद